छतरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग साधकों ने तालाब में जल योग किया। 80 साल के योग गुरु पानी में आसन लगाते दिखे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर छतरपुर में योगाभ्यास किया गया। इस आयोजन में छतरपुर के बड़े तालाब में योग गुरु गिरीश दुबे ने लोगों को पानी योगाभ्यास कराया। उन्होंने खुद पानी में योग के आसन लगाए और उन्होंने बताया कि वैसे तो योग करने से बहुत लाभ होते हैं, लेकिन पानी में योगा करने से और भी ज्यादा फायदे होते हैं। योग दिवस, ये जो योग दिवस है, इसमें हम लोगों ने जल योगा किया है और जल योगा ये बहुत अच्छा योग है। इसमें जो शरीर में पित्त प्रकोप बढ़ता है शरीर के अंदर, वह पित्त प्रकोप दूर हो जाता है और शरीर हमारा पूरा निरोग हो जाता है। जल में मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जल में योग करते हैं तो शरीर की गर्मी को निकालते हुए और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और हम बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं जल योगा के। इसमें हमने पद्मासन लगाया है और एक पादासन लगाया है, वज्रासन लगाया है और मत्स्यासन लगाया है। कई लोगों को सिखाया है और छतरपुर में ये हमारे जो गुरुजी थे मोहन सिंह जी धीरा जी, ये बहुत बड़े योगी थे और यहाँ हम लोग करीब 35-40 साल हो गए हैं और कोई भी व्यक्ति आए उनके रोग भी दूर करते हैं और उनको पूरी क्रियाएं भी सिखाते हैं। क्रिया योग आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सब केवल आसनों तक सीमित है। हमारे यहाँ पूरा क्रिया योग है, जल नेति, कपाल नेति, सूत नेति और इसके अलावा बस्ती, बजरौली। ये बजरौली योग की आखिरी क्रिया है। इसके अलावा यहाँ सिखाने वाले अभी मौजूद हैं। इंडिया में अभी गिने चुने लोग मिलेंगे जो बजरौली करके जानते हैं। बजरौली अभी आम लोग जानते भी नहीं है, है क्या बजरौली? हम आपको बता दें, एक ऐसी क्रिया है कुंडली जागरण की जिसमें लिंग के द्वारा दूध, घी और शहद खींचा जाता है और उसको 3 घंटे 36 मिनट रोक करके और फिर उसको निकाल दिया जाता है। तो इससे वीर को ऊर्ध्वगामी किया जाता है और जब वीर ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो कुंडली शक्ति को जगा देता है। और ये योग सिखाने वाले भी बहुत कम बचे हुए हैं, पर हमारे छतरपुर का ये सौभाग्य है कि हमारे गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। आज जो योग किया है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत किया है। हम लोग लगभग 50 साल से योग कर रहे हैं। देश के विभिन्न स्थानों में योग सिखाने के लिए गए हैं। हजारों लाखों लोगों को योग से लाभान्वित किया है और जिन लोगों को असाध्य रोग थे उनके रोग दूर किए हैं। और मेरा मानना ये है कि जो भी योग करेगा वो रोगों से मुक्ति पाएगा, न केवल रोगों से मुक्ति पाएगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त होगा। सभी लोगों को योग करना चाहिए। अगर डॉक्टरों से दवाओं से बचना है तो योग अति आवश्यक है। तालाब में योग, आज मैंने जो तालाब में योग किया है वास्तव में ये एक साधना है। प्राणायाम जो जितना ज़्यादा करता है, जितनी ज़्यादा सांस रोकने की क्षमता होती है वो कहीं पे भी योग कर सकता है, चाहे नदी हो, तालाब हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जो साधक जितना जितना करेगा उतना उतना उसको वांछित लाभ होगा। मेरा संदेश केवल यही है कि सारे लोग योग करें और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं। मैं सारे लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।